हजारों की संख्या में कर्मचारियों की छंटनी कर रखी है। सर थोड़ा सा समय दे दीजिए, सबसे पहले तो अपना पीछे दे दीजिए। मेरा नाम शिवचरण, नगरपालिका कर्मचारी संघ रैणा, राज्य मुख्य संगठनकर्ता और सर्व कर्मचारी संघ रैणा केंद्रीय कमेटी सदस्य है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है पानीपत नगर निगम के अंदर की जा रही है और नगरपालिका कर्मचारी संघ रैणा लगभग सभी जिलों में टीमें बना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हरियाणा सरकार से ये कहना चाहते हैं, हरियाणा सरकार लगातार सफाई, सीवर, फायर और दफ्तर के कर्मचारियों के साथ वादा की लाफी कर रही है, क्योंकि 20 मई को और 26 जून को विभागीय मंत्री श्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने चंडीगढ़ में हरियाणा निवास के अंदर मीटिंग की थी। उस दो दौर की मीटिंग में 19 सूत्री मांगों पर चर्चा की थी और उस सभी मांगों को जायज मानते हुए 15 दिन में उन मांगों के परिपत्र जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक जो मुख्य मांगे उनके परिपत्र नहीं जारी किए गए। कोरोना काल में जो हमारे कर्मचारी गुजर गए, ना तो 50 लाख रुपए मुआवजा मिला, ना उनके परिवार को पक्की नौकरी मिली। दूसरी, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बजाय सफाई का, सीवर का, फायर का और दफ्तर का जो कर्मचारी था पार्ट वन का हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंदर मर्ज कर दिया। हमारी मांग है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड भंग होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड परमानेंट ठेकेदारी प्रथा है। इसके अंदर जो कर्मचारी चले गए उसके अंदर उन कर्मचारियों को कंडीशन के आधार पर रखा गया, कभी पक्का करने की मांग नहीं करोगे, समान काम समान वेतन की मांग नहीं करोगे और बगैर नोटिस के जब मर्जी आपको उठाया जा सकता है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड तीन तीन चार चार पोस्टा पर इन कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है, वेतन कम कर दिए, ना कोई ज्वाइनिंग लेटर है ना कोई नियुक्ति पत्र है और 11 महीने बाद इनका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी मांग तो ये थी कि जितना भी सफाई का, फायर का, दफ्तर का कर्मचारी है सबकी ठेकेदारी प्रथा खत्म करके पक्का करो और पक्का कर होने से पहले समान काम समान वेतन दो, लेकिन सरकार जानबूझ करके इस कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को लेकर के आ गई जिस पर ठेकेदारी प्रथा के तहत इनका शोषण होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार की वादा खिलाफी है, ये सरकार बार बार वादा खिलाफी कर रही है। EPFESI चाहे वो पार्ट वन का कर्मचारी है, पार्ट टू का, आउटसोर्स का, डोर टू डोर का, वेतन में से काट ले, कर्मचारी के खाते में जमा नहीं होता। पूर्व विभागीय मंत्री कविता जैन ने 2018 में माननी थी ये बात कि पालिका परिषद निगमा में जितने भी कर्मचारी है 200 करोड़ रुपए का घोटाला ठेकेदार अधिकारी कर रहे हैं। 17 के अंदर CM के प्रधान सचिव आर के खुल्लर के साथ मीटिंग की गई थी, बेकायदे उस मीटिंग का लेटर है हमारे पास। विभाग आर के खुल्लर ने मानना था भी ये घोटाला है और उन्होंने लेटर निकाल करके पालिका परिषद निगमों के अधिकारियों को ये कहा था कर्मचारी के वेतन में से काट के 15 दिन में इनका खाते में EPFESI जाना चाहिए। अधिकारी और ठेकेदार अगर ऐसा नहीं करेंगे विजिलेंस जांच होगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लगातार शोषण हो रहा है। और अभी 8-9 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि जयंती के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री गुहाना के अंदर, हरियाणा बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा कल्यात के अंदर, पूरे हरियाणा में इनके मंत्री, इनके विधायक महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि तहसील होने का दावा कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं दावा ये झूठा है, ये ड्रामा है। हम ये कहना चाहते हैं वाल्मीकि जयंती और सफाई कर्मचारी की अगर तहसील है ये सरकार, तो ठेकेदारी प्रथा खत्म करे, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। कोरोना काल में जो कर्मचारी गुजर गए 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के सदस्य को नौकरी, और सफाई का, सीवर का, फार का, दफ्तर का,
हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो कर्मचारी भेज दिए उसको बंद करके उनको पक्का करे। सरकार समान रोजगार समान वेतन और समान विकास की बात कर रही है। बिल्कुल। अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई समान काम समान वेतन दो। अब किसी प्राइवेट में अगर दो मजदूर कोई दुकान पे काम कर रहा किसी कोठी बना रहा दो मजदूर रखेगा दोनों मजदूरों को बराबर दिहाड़ी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ सरकारी विभागों में एक सफाई का कर्मचारी 30,000 रुपये तनख्वाह ले रहा और डोर टू डोर का पार्ट वन का कर्मचारी 8,000 रुपये 9,000 रुपये 10,000 रुपये में पिटा जा रहा है, चाहे वो सफाई का है सीवर का फायर का दफ्तर का। मतलब ये भेदभाव है, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बराबर काम के अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति एक जैसा काम कर रहा तो उसको बराबर मजदूरी मिला बराबर वेतन मिला तो बराबर वेतन मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये वाल्मीकि जयंती के मौके पर सरकार ये घोषणा करे अगर वो वाल्मीकि तहसील है सफाई कर्मचारी तहसील है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे और पालिका परिषद निगमों में आबादी क्षेत्रफल के अनुसार कम से कम 70,000 कर्मचारियों की पक्की भर्ती हो, ये हमारी मांग है। और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी 11-12 अक्टूबर को नगर पालिका का 35,000 कर्मचारी 12-12 घंटे की भूख हड़ताल करेगा और उसके बावजूद अगर सरकार का अड़ियल रुख रहा 19-20 अक्टूबर को पूरे हरियाणा का 35,000 कर्मचारी सफाई का फायर का दफ्तर का 2 दिन राज्यव्यापी हड़ताल करेगा और 20 अक्टूबर को राज्य कमेटी रोहतक के अंदर कर्मचारी भवन में दोपहर को 12 बजे राज्य कमेटी मीटिंग करेगी और सरकार अगर परिपत्र जारी नहीं करती समझौते के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अगर जाना पड़ा तो जाएंगे 35,000 कर्मचारी, चाहे वो 18 में 16 दिन की हड़ताल की बात है 96-97 दिन की हड़ताल की बात है। अगर उस तरह की हड़ताल करनी पड़ी सरकार के रुख के कारण तो हम करेंगे और इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। सफाई व्यवस्था बिगड़ेगी बीमारी फैलेगी लोग परेशान होंगे इसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। और हम ये कहना चाहते हैं इसके साथ साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा CITU नगर पालिका के साथ जितना भी विभागों में सफाई कर्मचारी हैं CITU ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ जितना भी कच्चा कर्मचारी है हरियाणा में 1,00,000 कच्चा कर्मचारी है संयुक्त एक मंच बनाएगा सफाई कर्मचारियों का और 23-24 में एक राज्यव्यापी कन्वेंशन करके राज्यव्यापी रैली करके हड़ताल करेंगे और 24 में हरियाणा सरकार जो चुनाव लड़ रही है उसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने 2014 में वादे किए थे 2,00,000 नौजवानों को पक्का रोजगार देने का ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का समान काम समान वेतन देने का पंजाब के समान पेंशन वेतनमान भत्ते देने का, ये सरकार उस पर खरी नहीं उतरी जिसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़ा। ये सरकार की एक वादा खिलाफ ही है सरकार की अनदेखी है। एक दिन पहले नगर निगम कार्यालय में भी गए थे आप? नगर निगम कार्यालय में इसलिए गए थे क्योंकि हमारे 11 जे ये हटा दिए ये निगम